हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा में गेहूं की फसल की खरीद शुरू कर दी गई है। हरियाणा सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि कोरोना की वजह से किसानों को सुबह और शाम दो अलग अलग वक्त पर बुलाया गया है। आढ़तियों की नाराजगी पर बोलते हुए पीके दास ने यह भी कहा कि जिस सेंटर पर आढ़ती फसल की खरीद में शामिल नहीं हुए उन सेंटर्स पर सरकारी कर्मचारियों ने गेहूं की खरीद को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि आढ़तियों की ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। सेंटर में करीब सभी सेंटर में 50-50 फार्मर बुलाए थे। अब तक हमने करीब 76,000 टन गेहूं की आवक हो चुका है मंडी में। तो जो सोशल डिस्टेंस रखना जरूरी था वो रख रहे हैं। कहीं भी कोई मंडी में भीड़ नहीं है। ज़्यादातर मंडियों में आढ़ती भी हमारे साथ हैं और खरीद रहे हैं। प्रोक्योरमेंट सेंटर पे भी आढ़ती खरीद रहे हैं। जहां आढ़ती नहीं गए हैं वहां हमारे प्रोक्योरमेंट एजेंसी के अधिकारी खुद खरीद रहे हैं। दो महीने से समय समय पर आढ़तियों से उनके मांगों को लेकर बात सरकार करती रही है। उनके जो भी जायज मांग थे और जो भी चीजें उन्होंने कहा वो सारे मान लिए गए हैं। आज की तारीख में जो आढ़ती परचेज में शामिल नहीं है वो क्यों शामिल नहीं है ये अभी पता नहीं। पहले उन्होंने कहा कि हमें किसान का जो किसान को उन्होंने जो उधार दे रखा है वो काट के पेमेंट करने दिया जाए। हमने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि जो अकाउंट हमारे पास पहले हैं उसी अकाउंट में ही हमें काम करने दिया जाए, वो भी हमने माना।